हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है, मैंने प्रीवियस वीडियो भी बहुत सारी मोटिवेशन के लिए बनाई है कि यार नर्सिंग स्टूडेंट सब हम एक परिवार की तरह हैं, जूनियर सीनियर कभी नहीं रहे, तो शायद इस फील्ड का कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर भी एक दो स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे बोला कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। देन मैं अगर नहीं भी करूँगा देन मेरा कुछ फ़र्क नहीं बनने वाला, क्योंकि मैं भी आपकी तरह नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। बट बहुत सारा समर्थन भी आया, मैं उनको नेगलेक्ट करते हुए मैं काम करता रहूँगा नर्सिंग फील्ड के लिए। ठीक है, चलिए इट इज़ अ जोक्स आर पार्ट। चलिए मैं आपको बात बताता हूँ, आज एम्स के नर्सिंग कर्मचारी 8 से करेंगे सत्याग्रह। जैसे कि न्यू दिल्ली एम्स है, उसके अंदर जैसे कि मैं आपको बात बताऊं यार, नर्सिंग फील्ड के अंदर जो हेड मान सकते हैं, एक जड़ मान सकते हैं हम किसको, दिल्ली एम्स को। अगर जड़ में कोई चीज़ लागू हो जाएगी तो पूरे पेड़ के अंदर लागू हो जाएगी। वैसे ही अगर दिल्ली एम्स के अंदर सैलरी इंक्रीज हो गई, वैकेंसीज इंक्रीज हो गई, और भी मांगे हैं जो इंक्रीज हो गई, जैसे पर्सनल रूम नर्स का, और जो ये नाटक करते हैं डॉक्टर, सारा चीज़ उसमें लिखा होगा, है ना। तो अगर दिल्ली एम्स में चीज़ लागू हो गई तो आई थिंक सारी जगह लागू हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 8 तारीख से सत्याग्रह स्थापित हो रहा है, 8 तारीख से जो कि एम्स के हेड है जेपी नड्डा, उनके होम में जाएंगे, वहाँ वो जाके प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने का ये मतलब नहीं लाठी चार्ज होगा हमारे ऊपर, नॉर्मल साधारण वे में चलेंगे विथ एप्रिन। ओके, तो 8 तारीख से ये चालू हो जाएगा, और 8 तारीख बाद में जब तक मांगी पूरी नहीं होगी जब तक ऐसा ही चलता रहेगा। दिल्ली एम्स के जो कर्मचारी है वो भी इसमें इंक्लूड है, उन्होंने भी जॉब छोड़ के और ये चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश की है, हमारा साथ देने का कोशिश की है। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे और ये अपना परिवार समझे, ये अपना परिवार है। ओके, आपने नर्सिंग ज्वाइन नहीं की थी उससे पहले आपका परिवार था, हाँ बट वो परिवार ही रहेगा, बट अपना फील्ड, अपना कल्चर, आप नर्सिंग फील्ड है, ये जूनियर सीनियर में टक्के मत रहिए। ओके, थोड़ा बाहर निकलिए और फील्ड की हालत देखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।